मेडिकल व्यवस्था में अब आगर भी अपना नाम दिन प्रतिदिन उन्नत कर रहा है। इस व्यवस्था में आगर के एक निजी अस्पताल ने आगर में होने वाले पहले असंभव ऑपरेशन को संभव कर सफल बनाया है। उज्जैन रोड पर स्थित सर्व सुविधा युक्त केयर अस्पताल ने आगर के इतिहास का यह पहला सफल ऑपरेशन कर ये खिताब अपने नाम किया है। जहाँ आगर मालवा केयर हॉस्पिटल में रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन कर मरीज को नई जिंदगी दी गई है। पिछले दिनों मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति छत से गिरने की वजह से कई से फ्रैक्चर हो गया था, जहां मरीज का केयर अस्पताल में हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया है। ईश्वर के बाद अगर किसी व्यक्ति को जिंदगी देता है तो वह डॉक्टर ही है, इसलिए उसे धरती का भगवान कहा जाता है। वहीं डॉक्टरी पेशे में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। मैं डॉक्टर सचिन रावल हूं और मैं मेडिसिन विशेषज्ञ हूं और मैं पिछले 2 साल से इसी हॉस्पिटल से जुड़ा हूं। सर, देखा जाए तो एक आगर एक छोटा सा शहर है और इस छोटे से शहर में एक गंभीर ऑपरेशन, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का एक गंभीर ऑपरेशन है, उसको सफलतापूर्वक यहाँ के स्थानीय केयर हॉस्पिटल में आपके माध्यम से पूर्ण किया गया। इस सफलता के दौरान किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिला छोटा है, शहर छोटा है, समस्याएं भी आई होंगी, संसाधनों की कमी भी रही होगी, इस परिस्थिति में आपने किस तरह से ये सफलता प्राप्त की? अगर जिले की बात देखी जाए तो आगर एक छोटा जिला है। जिस प्रकार की सर्जरी को हमने यहाँ पे अंजाम दिया है, जिला छोटा है, पर क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जो केयर अस्पताल है उसमें संपूर्ण टीम हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि मेडिसिन विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, स्पाइन सर्जन हमारे पास हैं, तो इन सभी का ओपिनियन लेके हमने एक साथ इसको अंजाम दिया। और पेशेंट क्योंकि मनोरोग से भी ग्रसित थे तो इस वजह से भी थोड़ी सी तकलीफें आई हमें, और इसीलिए डिसीजन लिया गया कि पहली बार में, एक ही बार में उसको ऑपरेट करा जाए। थोड़ी सी खून संबंधित समस्या भी थी क्योंकि आगरा जिले में ब्लड बैंक की कमी है, तो उस कमी को मैनेजमेंट से डिस्कस किया गया और उसके लिए ब्लड की भी व्यवस्था सुबह ही कर ली। अधिकांश देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बीमारियों को लेकर लोग उज्जैन इंदौर पेशेंट जाते हैं, इससे इतने बड़े ऑपरेशन को आपने किस तरह मरीज को तैयार किया, उनके परिजनों को तैयार किया कि वह ऑपरेशन कराने के लिए एक छोटे से शहर में तैयार हुए? मरीज को क्योंकि आगर एक छोटा जिला है और रूटीन में कभी भी ऐसे ऑपरेशन आगर जिले में नहीं किए गए हैं, तो मरीज को, मरीज और मरीज के परिजनों को ये विश्वास दिलाने में थोड़ी सी हमें समस्या हुई, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस छोटे से जिले में हम उसको अंजाम दे पाएंगे सफलतापूर्वक। लेकिन जब वो हमसे मिले, हमारी टीम से मिले और हॉस्पिटल प्रशासन से मिले, तो हमें यथासंभव जो मदद थी उनका भरोसा दिलाया गया। उन्हें बताया गया कि ये ऑपरेशन इस अस्पताल में भी संभव है, क्योंकि जो ओटी है इस अस्पताल की वो सर्व सुविधा उपयुक्त है। सर, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि जैसे कि आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान मरीज को कितना व्यय उज्जैन इंदौर के अपेक्षा में कम हुआ या अधिक हुआ, कितना व्यय आया होगा उसको? देखिए, मरीज को आने जाने का खर्चा और मरीज के वहाँ पे उज्जैन या इंदौर में जो भी मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी होते हैं अस्पताल, उसके वनस्पत आगर जिले में तकरीबन आधी से भी कम कीमत में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कितने दिन पेशेंट को रखा आपने? मरीज को ऑपरेशन के बाद हमने 4 दिन रखा, ऑब्जर्वेशन के लिए उसे रखा, उसको हमने यहीं पे बिठाया। उसके बाद मरीज को मलमूत्र की कोई समस्या नहीं थी, सभी चीज़ें चेक करने के बाद ही मरीज को डिस्चार्ज।